एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइज़र फॉर विंटर। विंटर के टाइम में स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड स्किन डल भी लगने लगता है। विंटर के टाइम में स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है अगर आप कोई अच्छी मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर अप्लाई ना करो तो। एंड मॉइस्चराइज़र सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विंटर के टाइम में। तो आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी मॉइस्चराइज़र लेके आई हूँ जो आपके स्किन की डलनेस को दूर करेगा एंड आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइज भी देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, वो जो मॉइस्चराइज़र है ये है डर्माकोका विटामिन ई फेस मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई एंड फ्लैकी स्किन के लिए सी। एंड ये डर्माकोका मॉइस्चराइज़र मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड मैं इसको 1 वीक से लगा रही हूँ। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड मैं इसको 2 टाइम अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इसको नाइट टाइम में अप्लाई करो तो और भी ज़्यादा आपको इसकी बेनिफिट नज़र आएगी। तो मैं पहले इसकी प्राइस एंड क्वान्टिटी बता देती हूँ। तो इसका प्राइस है 149 एंड इसकी क्वान्टिटी आपको 30 ग्राम में मिल जाएगा एंड इसमें 3% विटामिन ई है। तो आपके स्किन विटामिन ई आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बनाता है एंड आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड पैराबेन फ्री है, SLS फ्री है। तो आपको कोई भी इससे साइड इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा डर्माकोका ब्रांड है एंड इसका जितना भी प्रोडक्ट है सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स की मिल जाएगी। तो आप आराम से 2 साल तक इसको लगा सकते हो एंड इसको समर में आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी सा है। तो आपको गर्मी के टाइम में ये आपके स्किन को थोड़ी सी चिपचिपा फील दे सकता है। तो ये विंटर के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे सही मॉइस्चराइज़र लगा। मिनरल ऑयल फ्री है। तो इस विटामिन ई मॉइस्चराइज़र में आपको विटामिन ई के साथ लैक्टिक एसिड भी मिल जाता है। तो ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज बनाता है एंड आपके स्किन पे एक ब्राइटन प्रोवाइड करेगा। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इससे ब्राइट भी होगा। आप इसको डे प्लस नाइट में अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं इसका पैकेजिंग खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर कैसा दिखता है। तो इस तरह की ट्यूब में आपको मिलेगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है दिखने से भी। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड बहुत मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है एंड साथ में मॉइस्चराइज भी रखता है। तो विंटर के लिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। तो ये दिखता कैसे है मैं दिखा दें एंड सी गाइस, इस तरह से आपको निकालना है एंड इस पे लिखा हुआ है कि आप किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये कुछ इस तरह की आपको ऑफ वाइट कलर में मिलेगा एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। थोड़ी सी आपको थिन में मिलेगा, क्रीमी टेक्सचर में है। तो आप इस तरह से थोड़े से अमाउंट में ही ये पूरे फेस पे आपको हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लें। अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को वॉश कर लें ताकि आपके स्किन पे जितने भी डॉट्स वगैरह हो वो रिमूव हो सके एंड फिर ये मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन एंड बहुत ही हाइड्रेशन भी फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कूल सा लग रहा है एंड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है ये सी। मैं जब से इसको अप्लाई करना स्टार्ट की हूँ मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट एंड सॉफ्टनेस लग रहा है। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, आपको क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके फेस पे। जैसे कि इसमें विटामिन ई है तो विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन इसको लगाने के बाद थोड़ी सी शाइन भी दे रहा है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी सी स्किन पे ब्राइटनेस भी मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी सी मॉइस्चराइज भी देगा। 3% इसमें विटामिन ई है एंड आपके स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, साथ में आपको ब्राइटनिंग भी प्रोवाइड करेगा आपके स्किन पे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये विंटर के टाइम के लिए मॉइस्चराइज़र। एंड इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इसमें कोई भी हार्श फ्रेगनेंस वगैरह नहीं आ रहा है। बहुत ही सूदिंग सा माइल्ड सा फ्रेगनेंस है, कोई भी फ्रेगनेंस नहीं आ रहा है। कलरलेस है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये पैराबिन फ्री होती है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी होती है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्किन ड्राई है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम अप्लाई करती हूँ, आप दोनों टाइम अप्लाई कर सकते हो इसको। तो होप यू गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, एंड ये मॉइस्चराइज़र आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो आप लोग इसको डेफिनेटली ले सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों को अगर लेना है तो वहाँ से जाके डायरेक्टली चेक करके ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, विटामिन ई है, तो आपकी स्किन के सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा एंड साथ में आपकी स्किन को ब्राइट भी बनाएगा। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज भी रखता है ये आपके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी थम्स अप दे देना एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरी आगे की वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू।